सर मेरा नाम प्रिया शर्मा है, मैं बीकॉम सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। जब हमारा रास्ता बहुत ही टूटा फूटा है, हम यहाँ से कॉलेज जाने में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। यहाँ तक कॉलेज तक जाने के लिए एक ही रास्ता है और जो कि बुरी तरह से टूटा हुआ है। हमने सीएम सर से भी बातें की, उनके पास भी लोग गए थे मिलने के लिए और उन्होंने भी संज्ञान दिया था, पर उसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द हमारा रास्ता बने और कुछ नाम है आपका? मेरा नाम सपना कुमारी है। सपना बेटा, क्या समस्या आ रही है, क्या है पूरा मामला? हमको ये प्रॉब्लम है कि हम स्कूल नहीं जा पाते हैं। क्यों नहीं जा पाती हैं स्कूल? क्योंकि रास्ता खराब है। कब से खराब है रास्ता? जब से हम स्कूल जाने लगे तभी से। तो कोई बनवा नहीं पा रहा है, समस्या क्या आ रही है, कोई अवरुद्ध है उस मार्ग में, क्या है? हाँ, गांव वालों ने सभी ने दिया है अवरुद्ध, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही। योगी जी ने क्या कहा? योगी जी ने संज्ञान दिया था, लेकिन कोई काम नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरप्रसाद है सर। किस गांव के रहने वाले हैं आप? मरहला का रहने वाले हैं सर, भूरे का मरहला। क्या समस्या है यहाँ पे? हमारी समस्या ये है गांव की, तो बसपा सरकार में जो हमारे गली खरंजा बढ़िया बन गए सर, पर हमारी एक आम रास्ता है हसनपुर से आने के लिए, उसमें बरसात में काफ़ी पानी भर जाता है साहब, बड़ी परेशानियाँ आ जाए, स्कूलों के काज बच्चा ना आ जाए 2-3 महीना सर, और शादी ब्योहार बारे ना आमे जी, गर्भवती स्त्री हैं जो बच्चा होना है, गाड़ी तक नहीं आती है, बच्चा गलमी मर जाते हैं सर, 2-1 केस हो गया है ऐसा कि बच्चा गुजर गए। हमारी कोई सुविधा नहीं करी सरकार ने साहब। सरकार अभियान चला रही है गड्ढा मुक्त, एक तरफ सड़क को गड्ढा मुक्त करने का प्रयास कर रही है सरकार, क्या आपके गांव में कोई सड़क ऐसी बनी है जो कि मेन रोड से जुड़ी हो? जी नहीं, कोई नहीं बनी है सर। पिछले बरसात में यहाँ पे एक समस्या आई थी, बच्चे पैदल पैदल जा रहे थे और जो है पानी में गिर रहे थे, सही है। तो उसके लिए प्रस्ताव हुआ था, क्या हुआ, उसका निर्माण कार्य शुरू हुआ नहीं? उसका निर्माण ये कर गए सर, थोड़े से झुंड बम्बा पे थे कटवाए गए सर, 2 लाख रुपया प्रधान और कुछ साहब आए का कोई खाए गए सर, वहाँ में 9 आदमी लगे सर कुल, और कुछ नहीं हुआ। और कुछ नहीं हुआ, न एक फावड़े से मट्टी डाली, न कोई गड्ढा हटा, वो गड्ढा और सड़क और पटरी भी तैयार है। हमारे गाँव में कुछ भारी परेशान है, भारी दुखी है साहब। ये पड़ता कहाँ है आपका गांव? ये भूरे का मरहला है साहब। नौजिल में पड़ता है? नौजिल में पड़े साहब। तो क्यों नहीं समस्या का समाधान हो पा रहा है साहब? कोई सुने ही ना है साहब गांव की साहब। शिकायत की है इसकी कहीं? खूब करी है साहब शिकायत, कोई सुने ही ना है बाबू जी कोई। मगर गांव के लिए कोई पक्का रास्ता ही नहीं है? रास्ता ही ना है साहब, बस बच्चे न कोई आदमी रात में लेकर भी कोई सुविधा ही ना है साहब, पानी बढ़ जाए निकलो ही ना जाए हसनपुर का साहब। बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने आपके? हसनपुर ही जाए साहब। सभी बच्चे पढ़ने जाते हैं? हाँ जी। यहाँ विद्यालय नहीं है? विद्यालय 5 तलक को यहाँ कोई पढ़ावे ही ना साहब इतनी।